मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ। आज से मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ, इनका पालन अगर आप करेंगे तो आप अपने जीवन में 148 बीमारियों से हमेशा बचेंगे। और बागवत जी का ये कहना है कि बीमारियों से बचना बहुत महत्व का है बनिस्बत की बीमारियों का इलाज करना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज के सूत्रों को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुने। आज से जो शुरू हो रहा है वो फंक्शनल पार्ट है। इस फंक्शनल पार्ट में सबसे पहला सूत्र बागवत जी का, वो कई बार ये लिखते हैं अपने सूत्रों में कि खाना महत्व का नहीं है, खाने को पचाना महत्व का है। क्योंकि भोजन पचेगा तो रस बनेगा, उसी रस में से मांस मज्जा रक्त मल मूत्र वीर मेद ये सब बनेगा, अस्थियां बनेंगी, और वही आपके शरीर के लिए आगे जीवन में काम आएंगे। पहला सूत्र भोजन अंते विषम वारी, इसका सीधा सा अर्थ है भोजन के अंत में पानी पीना विष पीने के बराबर है। सूत्र ये है, भोजन अंते माने भोजन के अंत में, भोजन अंते विषम वारी, विष समझते हैं आप जहर, जहर जैसा क्या है पानी। सूत्र उतना ही है, समझने के लिए मैं आपको बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आप जल्दी पता कर पाए। बागवत जी ने एक सूत्र में यह कहा है कि हमारा जो शरीर है इसका जो मुख्य स्थान पेट है, इसमें एक स्थान होता है पेट के अंदर नाभि, लेफ्ट साइड में नाभि से थोड़ा ऊपर जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, इस स्थान को कहते हैं जठर, संस्कृत में कहते हैं जठर, हिंदी में कहते हैं आमाशय, अंग्रेजी में चाहे तो एपिगैस्ट्रिकम। बागवत जी कहते हैं कि इसमें अग्नि प्रदीप्त होती है, जठर अग्नि जठर अग्नि, और भोजन जो कुछ भी आप करते हैं वो पहले जठर में ही जाता है। यह है महत्व की बात। आपने रोटी का पहला टुकड़ा मुंह में डाला और जैसे ही टुकड़े को चबाना शुरू किया, लार बनना शुरू हुआ, तुरंत अग्नि प्रदीप्त हो जाती पहले ही टुकड़े में, तो यह अग्नि प्रदीप्त हुई। अब आप जो भोजन कर रहे हैं ये इस अग्नि के प्रभाव में पचेगा, तो भोजन के पचने की क्रिया में पहले भोजन रस में बदलेगा, पहले पेस्ट बनेगा जैसे टूथपेस्ट की कंडीशन होती है वैसा बनेगा, लुगदी जैसा, फिर उसमें से रस बनेगा, फिर रस में से सब कुछ बनेगा। अब ये अग्नि भोजन को पचा रही है और आपने भोजन पूरा करते ही पानी पी लिया गट 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 गट, तो क्या हुआ, अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि का पानी से मेल नहीं है, दुश्मनी है, तो आपके पेट में खाना खाते ही अग्नि जल रही है। अब आपने पीछे से गिलास दो गिलास पानी पी लिया, कोई कोई लोग तो लोटा भर के पी लेते हैं, कई कई लोग तो भोजन से ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो फिर बागवत जी कहते हैं भोजन पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। वो कहते हैं कि भोजन अगर सड़ना शुरू हुआ तो सबसे पहले गैस बनेगी, वायु बनेगी, और ये वायु आपकी जिंदगी हराम कर देगी। और ये वायु की तीव्रता जब बढ़ेगी तो गले में जलन होगी, छाती में जलन होगी, पेट में जलन होगी, तो ये वायु पूरे शरीर में घूमेगी तो सिर घूमेगा आपको, चक्कर आएंगे, सिर में दर्द होगा, पीठ में भी दर्द हो सकता है, हृदय स्थान पे भयंकर दर्द हो सकता है, कई बार तो इतना दर्द होता है कि आपको लगेगा कि हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो वायु का दर्द है, हार्ट अटैक नहीं। और ये जो वायु बनी भोजन के सड़ने से, इसी वायु में से बागवत जी ने सूची बनाई है कि 103 रोग पैदा होंगे, 103। सबसे पहला रोग है उसमें एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ज्यादा दिन अगर आपने ये चक्कर चलाया पानी पीने का तो अल्सर, पेप्टिक अल्सर, बवासीर, मूड़व्याध, भगंदर, और अंत का एक रोग है कैंसर, कर्क रोग। माने एसिडिटी से शुरू होकर आप कैंसर तक की यात्रा कर सकते हैं। और बाद में बागवती जी कहते हैं, वो भी बता देता हूं, वो दूर का सूत्र है लेकिन यहीं पे ले आता हूं उसको, कि आपका जो भोजन सड़ेगा तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अगर भोजन का पाचन हुआ तो कोलेस्ट्रॉल शून्य रहता है। आप जानते हैं शरीर में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल है, एक गुड और एक बैड। अच्छा कोलेस्ट्रॉल माने HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, खराब कोलेस्ट्रॉल माने LDL और उसका छोटा भाई VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है वो ध्यान दें, उनको भोजन पच नहीं रहा, उनका भोजन सड़ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक भी आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो घुटने भी जड़ हो जाएंगे, सारी संधियां आपकी एकदम कड़क हो जाएंगी, आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, 10 कदम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जब 103 बीमारियां एक छोटी गलती से आती हों तो वो गलती कभी करना नहीं। अब जैसे ये सूत्र पूरा हुआ तुरंत आपके मन में प्रश्न आएंगे कि पानी कब पीना, तो बागवत जी कहते हैं कि कम से कम 1.5 घंटे के बाद पानी पियो। अब ये जो 1.5 घंटे का कैलकुलेशन है ये क्या है, ये बागवत जी कहते हैं कि जो आपने खाया
वो आपके जठर स्थान में 1.5 घंटे तक अग्नि के प्रभाव में रहता है, 1.5 घंटे तक, और 1 से 1.5 घंटे का वो बताया है। तो अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से, अब मान लीजिए उत्तरांचल का कोई आदमी इसी सूत्र को पढ़ेगा तो उसको तो अग्नि का असर 2 से 2.5 घंटे रहेगा, पहाड़ वाला, लेकिन आपके लिए मैं बात कर रहा हूं तो 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। अब तुरंत आपके मन में सवाल आएगा, भोजन के बीच में पीना कि नहीं पीना, और भोजन के पहले पीना कि नहीं पीना। वो ये कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना तो कम से कम 40 मिनट और अधिक से अधिक 1 घंटा। आपको सीधा सा हिसाब बताता हूं, 10 बजे खाना अगर खाना चाहते हैं तो 9 बजे से लेकर 9:20 तक आप चाहें उतना पानी पी सकते हैं, और बीच में पीना कि नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपके भोजन में दो अन्न माने एक रोटी खा रहे हैं आप, वो गेहूं है, और दूसरा चावल खा रहे हैं, तो चावल और गेहूं दो अन्न, एक अन्न की पूर्ति पूरी हुई और दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बीच का जो जंक्शन पॉइंट है इस पे पानी पीना। मतलब इसका सीधा है, रोटी पूरी हो गई, अब आप चावल खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो रोटी खाने के बाद चावल खाने से पहले आप जरूर पानी पीना, लेकिन मात्रा कितनी, तो वो कहते हैं 2 या 3 घूंट, इतना ही। उसके बाद जब दूसरा अन्न आपने शुरू कर दिया फिर नहीं, फिर तो पूरा आप भोजन ही करके उठिए। अब आप भोजन कर लिया तो गला साफ करने के लिए थोड़ा 1-2 घूंट और पी लेना, गला साफ करने के लिए। अब आपके मन में तुरंत एक प्रश्न आएगा कि भोजन के अंत में क्या पीना, फिर पानी तो नहीं पीना, 1.5 घंटे तक तो नहीं पीना, तो कुछ पी सकते हैं। तो भागवत जी ने 3 चीजें बताई, उसके लिए पूरा सूत्र लिखा है कि भोजन के अंत में सबसे अच्छी चीज जो पीने के लिए है वो है छाछ, वो है मट्ठा, दही का तक्रम। लस्सी पीने के लिए नहीं कह रहे, मक्खन रह गया तो वो लस्सी, तक्रम की बात है। दूसरी सबसे अच्छी चीज उन्होंने बताई है वो है दूध, और तीसरी सबसे अच्छी चीज बताई है फल का रस, जिस मौसम में जो फल आता है उसका रस, माने मौसम के विरुद्ध के फल नहीं। आज का मौसम आम का नहीं है तो आम का रस अभी पिए तो नहीं चलेगा, तो आप यह कहें कि कोल्ड स्टोरेज से लाया हुआ संतरा और उसका रस निकाला या मौसमी का रस, ये सर्वनाश करेगा, सत्यानाश नहीं सर्वनाश करेगा। अब इसमें आगे एक सूत्र है वो बहुत महत्व का है। भागवत जी कहते हैं मट्ठा या छाछ कब पीना, दूध कब पीना, रस कब पीना, तो सुबह के भोजन के बाद जूस, भागवत जी ने नाश्ता शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया है, सुबह का भोजन आप उसको नाश्ता कैसे, दोपहर के भोजन के बाद मट्ठा और रात के भोजन के बाद दूध। और वो ये कहते हैं आगे के सूत्र में कि इनका क्रम उल्टा सीधा मत करना कभी, कि हमारे शरीर को मट्ठे का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत होती है, रस माने एंजाइम, जो एंजाइम या रस की जरूरत होती है वो दोपहर को ही होते हैं पेट में। इसी तरह हमारे शरीर में दूध का पाचन होने के लिए जो रस की जरूरत पड़ती है या एंजाइम की जरूरत पड़ती है वो सूर्यास्त के बाद ही होते हैं, और जो रस और एंजाइम की जरूरत जूस पचाने के लिए है वो सुबह ही होते हैं। अब आप कहेंगे हमारे बच्चे तो स्कूल जाते हैं दूध पीकर जाते हैं, तो बदल दो, जूस पिलाकर भेजो। और आप कहेंगे जी पिएंगे नहीं, आप जैसी आदत डालेंगे बच्चे वैसे ही होने वाले हैं, क्योंकि बच्चे अपने से कुछ नहीं सीखते, वो आपका सिखाया हुआ है सारा कुछ, समझ जाएंगे तो उनकी भी जिंदगी में ये परमानेंट हो जाएगा। अभी इसके आगे का सूत्र, तो पानी कैसे पिए, तो हमारे यहां पानी पीने के बहुत तरीके हैं, लोटा मुंह से लगाया गटगट गटगट उतार लिया, गिलास मुंह से लगाया गटगट गटगट उतार लिया। तो भागवती जी कहते हैं नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है पानी पीने। वो कहते हैं कि पानी को चुस्कियां ले लेकर पिए, जैसे आप गर्म दूध पीते हैं ना, भागवती जी बिल्कुल उसके समकक्ष रखते हैं। अब ये क्यों, आप एक साथ पूरा पानी उतारें गले के नीचे और एक एक घूंट पानी उतारें गले के नीचे, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है, हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अग्नि होती है और इस अग्नि को तीव्र करने के लिए अम्ल होता है, अम्ल एसिड प्राकृतिक रूप से बनता है, और मुंह में क्षार बनता है जिसको लार कहते हैं आप, लार, स्लाइवा, सेलिवा, लार, लाला रस, अलग अलग नामों से आप जानते हैं। तो मुंह में बनती है लार, ये है क्षार, और पेट में बनता है अम्ल। आप थोड़ा भी अगर विज्ञान जानते हैं तो आप जानते हैं कि क्षार और अम्ल को मिलाओ तो हो जाता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल का मतलब जिसका पीएच 7 है। ये जो पानी है ना, पानी ये ना अम्ल है ना क्षार है, ये न्यूट्रल है। तो भागवत जी कहते हैं कि पेट आपका अक्सर पानी के जैसा रहे तो बढ़िया, और जिनका पेट पानी के जैसा माने पेट की अम्लता ना बढ़े और पेट का क्षारपन भी ना बढ़े, पीएच 7 के आसपास रहे, तो भागवत जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को 100 से ज्यादा वर्ष जीने की पूरी गारंटी है, बिना एक भी दवा खाए और बिना चिकित्सक के पास जाए।
तो वो ये कहते हैं कि घूट घूट पिया पानी, अगर सिप सिप करके आपने पानी पिया तो ज्यादा लार अंदर जाएगी, तो अम्ल को शांत करने में मदद आएगी, इसलिए आपका पेट न्यूट्रल रहेगा, इसलिए पानी घूट घूट भर के पिए। और एक साथ गटगट पानी पिएंगे तो लार पानी के साथ मिल नहीं पाएगी, तो अंतिम रूप में जब वो पहुंचेगा पानी तो खाली पानी होगा। भागवत जी आगे कहते हैं, बहुत ही महत्व की बात है ये सब आपके लिए, वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सिप सिप करके पानी पिए, वो देखें जानवर कैसे पीते हैं, चिड़िया कैसे पानी पीती है, चिड़िया एक ड्रॉप उठाएगी, फिर उसको ऐसे ऐसे मुंह में चलाएगी, फिर पिएगी, फिर दूसरी ड्रॉप उठाएगी, फिर ऐसे ऐसे चलाएगी, फिर पिएगी। ऐसे कुत्ता है, पानी को चाट चाट के पिएगा, शेर पानी को चाट चाट के पिएगा, ज्यादातर जानवर पानी को ऐसे ही पीते हैं। वो जानवर हमसे ज्यादा स्वस्थ है, किसी को डायबिटीज नहीं, कोई ओवरवेट नहीं, किसी को जॉइंट्स पेन नहीं, किसी को कुछ नहीं, बाघभट्ट के पक्के चेले हैं ये सब जानवर, माने आपके सारे रोगों की एक दवा। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया, ये मैंने पढ़ा था 6 साल पहले, बाघभट्ट जी को मैंने 6 साल पहले पढ़ना शुरू किया, 3 साल पढ़ने में लग गया और 3 साल समझने में लग गया। तो आपको सुनकर हैरानी होगी, हमारे जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, जिनका वजन बहुत ज्यादा था, उन्होंने पानी सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया और भोजन के 1.5 घंटे के बाद पानी पीना शुरू। ये 2 सूत्रों का ही परिणाम है कि सबके वजन पहले से आधे हो गए, सिर्फ पानी पीने का तरीका बदला। फिर मैंने डॉक्टरों से बात की कि ये चक्कर क्या है, तो उन्होंने कहा बात सीधी सी ये है कि जो लार है ना, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है। आपने जानवरों को देखा होगा, उनको कभी भी कोई चोट लगे तो वो अपने लार से ही ठीक कर लेते हैं चाट चाट के। अब वो ये कहते हैं कि भारत के वो मनुष्य या स्त्रियां और पुरुष बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जो इस लार को अंदर ले नहीं जा पाते, जैसे तंबाकू खाने वाले लोग, गुटखा खाने वाले लोग, मावा खाने वाले लोग, थूकते ही रहते हैं उसको, थूकते ही रहते हैं। जिसको बनाने के लिए भगवान ने 1 लाख ग्रंथियां आपके मुंह में दी हैं, जो रात दिन आपके लिए लार बनाती हैं, ये बहुत ही कीमती है, इसका औषधीय गुण बहुत है। और जैन दर्शन में इसको अहिंसा के साथ जोड़ा हुआ है, और वो मैंने करके भी देखा है कि सुबह की लार गलती से भी आप किसी चींटी या चींटा या मक्खी पे थूक दो, वो तुरंत मर जाए, क्योंकि उसका औषधीय गुण बहुत प्रबल होता है सुबह सुबह। और आप गुटखा खा खा के उसको थूकते रहते हैं तो सड़क तो खराब करते ही हैं, अपने को उससे ज्यादा खराब करते हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप में से कोई लार थूकने वाला हो, थूकने वाला आदमी, ये तो भागवत जी की डिक्शनरी में नहीं है। वो कहते हैं कि एक ही कंडीशन में आप कुछ थूक सकते हैं, जब कफ बहुत बढ़ा हुआ हो तभी, बस उसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन नहीं कि आप थूकें। तो फिर आप कहेंगे जी पान खाएं, तो पान खाने के लिए नियम बताया, पान खाओ तो कत्था मत लगाओ, बिना कत्थे का पान खाओ, थूकने की गरज ही नहीं। तो वो कहते हैं कि पान भी खाना है तो थूकना नहीं है, कत्था है तो थूकना पड़ेगा, कत्थे बिना ही पान खाओ। पान तो पित्त और कफ दोनों का नाश करता है, और चूना वात का नाश करता है। तो वो कहते हैं कि पित्त और कफ का नाश कर दिया पान ने, चूने ने कर दिया वात का, तो वात पित्त कफ तीनों ही संतुलित हैं, तो पान खा के तो जिंदगी भर निरोगी रह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलता हूं। आगे का एक सूत्र है भागवत जी का कि पानी कभी भी पिए तो ठंडा ना पिए। कैसा पानी पिए जी? गुनगुना पानी पिए, कभी भी पानी की गर्मी शरीर के तापमान के ऊपर ना हो, ऐसा पानी पिए, गुनगुना ही पानी पिए। क्यों? अभी मन में प्रश्न आएगा, क्यों? हम तो जी ठंडा पानी पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, बर्फ डाला हुआ पानी पीते हैं। जिसका जैसा गुण है वही तो करेगा ना, बर्फ का गुण है ठंडा करने का, तो बर्फ डालकर पानी में आप पी रहे हैं, तो बर्फ का गुण वो पानी में आ गया, अब पानी आपके पेट को ठंडा करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा किया तो, क्योंकि शरीर के सारे ऑर्गन पेट से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, और अगर शरीर ठंडा हो गया तो जय राम जी की, जाइए यमराज के पास। तो कभी भी ठंडा पानी ना पिए, एक विश्लेषण। दूसरा विश्लेषण कि अगर पानी आपने ठंडा पिया तो तुरंत पेट उस पानी को गर्म करने पर लगेगा, तो पानी को गर्म करने के लिए उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और अतिरिक्त ऊर्जा उसको रक्त में से आएगी, तो शरीर के सब हिस्सों का रक्त पेट की तरफ जाएगा, उसने बाकी हिस्सों में रक्त की कमी कर दी, और यह कमी हर समय ऐसे ही आती रहे, आप ऐसे ही ठंडा पानी पीते रहे, ऐसे ही कमी आती रहे, पीते रहे, कमी आती रहे, तो एक दिन वो अंग काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको रक्त की सप्लाई कम हुई है, और वो अंगों ने काम करना बंद किया तो ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारी बीमारियों को क्यों बुलाते हैं ठंडा पानी पी के? मैंने उन लोगों को देखा जो चिल्ड वाटर पीते हैं, वो सवेरे सवेरे अगर संडास घर में गए टॉयलेट में तो 1-1 घंटे बाहर नहीं निकलते, कभी कभी तो 2-2 घंटे नहीं निकलते, बैठे ही रहते अंदर। उनको पूछो भाई क्या कर रहे थे 2 घंटे टॉयलेट रूम में, कहते हैं जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, मैगजीन पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? तो कहते हैं टॉयलेट आती ही नहीं, माने स्टूल पास होता ही नहीं, संडास होती ही नहीं, उतरती नहीं, तो क्या करें।
और वो बेचारे वहां बैठे बैठे कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि आह ओह तरह तरह की आवाजें निकालते हैं फिर भी नहीं आती। फिर वो गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं है। और कभी कभी जब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना तो एक गाना गाते हैं एक बार आजा आजा आजा, वो तब भी नहीं आती। ये है समस्या कि जो लोग बहुत ठंडा पानी पिएंगे उनको एक बीमारी है, वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, बद्ध कोष्ठ होना। कॉन्स्टिपेशन का मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, वो एकदम ऐसी संकुचित हो गई। तो अगर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी हो गई तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही हो जाएगी। फ्रिज का रखा हुआ पानी ना पिए, बर्फ डाला हुआ पानी ना पिए, आइसक्रीम कभी भी ना खाएं, तो गर्म भोजन और ठंडी आइसक्रीम कभी ना खाएं। अक्सर मैं शादियों में बारातों में जाता हूं तो वहां मैंने देखा है कि भोजन गर्मा गर्म कराएंगे, अंत में आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे। सर्वनाश, बुला बुला के हमारा सत्यानाश करते हैं, ना मरो तो जल्दी मर जाओ, ऐसा आजकल आतिथ्य इस देश में चल रहा है। पहले कहते थे अतिथि देवो भव, अभी अतिथि दुश्मन भव। अभी चौथा सूत्र, आज का आखिरी सूत्र। भागवत जी कहते हैं कि सुबह का जीवन आपका जब शुरू होता है तो दिन की शुरुआत में सबसे पहले पानी पिए, दांत धोए बिना पानी पीना, मुंह धोए बिना पानी पीना, कुल्ला किए बिना पानी पीना। कारण उसका यह है कि रात भर जब आप सो रहे थे तो शरीर की सारी क्रियाएं तो शिथिल हो जाती हैं, लेकिन ये लार बनने की क्रिया ज्यादा शिथिल नहीं होती, ये चालू रहती है। तो रात भर आपने लार बनाई है, मुंह में जगह जगह जमा है, वो अंदर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेशकीमती है। तो सुबह सुबह जो लार बन रही है ये अंदर जानी ही चाहिए, इसलिए बिना कुल्ला किए पानी पीने का नियम है, इसी को उषापान कहा जाता है। तो सुबह उठते ही पानी पिए। कितना पिए जी? बुजुर्गों के लिए 2 गिलास, बच्चों के लिए और 3 गिलास आपके उम्र के लोगों के लिए, कम से कम इतना पानी पिए। भागवत जी ने ये जो कहा ना सुबह की लार बहुत कीमती होती है, मैंने इस पर थोड़े कुछ एक्सपेरिमेंट किए पिछले एक आध साल। बहुत सारे कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और डायबिटीज की कंडीशन में आप जानते हैं कि कोई घाव हो जाए, घाव तो जल्दी भरता नहीं। मैंने उनको दवाएं बंद किया होम्योपैथी का। फिर मैंने कहा भैया, भागवत जी ने कहा कि सुबह की लार बहुत कीमती है, तुम ऐसा करो सुबह उठते ही जो लार है ना उसको लगाओ तुम्हारे घाव पे और आप देखेंगे चमत्कार। 15 से 20 दिन में घाव भरना शुरू, 3 महीने में बिल्कुल बराबर। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।